ये रहा द्वारसिनी जंगल, द्वारसिनी देवता हर वर्ष यहाँ पाठा बकरा बलि दिया जाता है। ये काली माटी और करमाड़ी का बीच में है, जालदा थाना और इधर बागमुंडी थाना के बॉर्डर में। ये द्वारसिनी जंगल, घना जंगल, यहाँ हाथी अक्सर इधर उधर पार होता रहता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं रहूँ कनकपुरिया और एक ब्लॉग वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज पहाड़ घूमने आए हो, हमारा पहाड़ जंगल, ये रहा कनकपुर जंगल। ये जंगल का चारों तरफ देखिए बरास जंगल, रास का जंगल और पीछे डुमराउर पहाड़। तो दोस्तों, सुबह में हम लोग का कनकपुर पहाड़ में थे और शाम को देखिए जारगबोरी पहाड़। हम लोग इधर घूमने आए थे झालदा की तरफ, तो ये देखिए मेरा पीछे जारगबोरी पहाड़, सामने निकिता। हम लोग कहाँ गए थे बेटा? झालदा। कहाँ गए थे बेटा? झालदा। हाँ ठीक है ना, कैसा दिख रहा है बेटा? अच्छा ना। हाँ तो चलते हैं, चलो आगे की तरफ, आज द्वारसिनी भी दिखाएंगे आप लोगों को आगे। तो दोस्तों, ये द्वारसिनी है, द्वारसिनी बहुत ही हाथी हाथी इलाका है, हाथी द्वारसिनी जंगल। तो द्वारसिनी में दोस्तों हाथी हाथी रास्ते में इस पार से उस पार हमेशा होता ही रहता है, तो हमेशा हाथी इस पर से उस पर होता ही रहता है। तो हाथी इलाके में मोटरसाइकिल एकदम स्लो चलाना चाहिए, 20 से 30 स्पीड होना चाहिए, नहीं तो हाथी एक बैग हाथी के साथ मुठभेड़ हो जाएगा और हाथी आपको जान ले सकता है। तो इसीलिए हाथी इलाके में एकदम 20 से 30 स्पीड होना चाहिए। जो आगे अगर साइड में रास्ते के साइड में हाथी दिखेगा या आगे में भी हाथी दिखेगा, तो आप लोग मोटरसाइकिल को खड़ा कर सकते हैं या घूम सकते हैं। अगर स्पीड रहेगा तो तेज में आप लोग हाथी का अंदर, मतलब हाथी का अंदर घुस जाएंगे, हाथी का पेट में घुस जाएंगे। तो इसीलिए हाथी इलाके में एकदम स्लो मोटरसाइकिल चलना चाहिए, 20 से 30। तो ये द्वारसिनी इलाका हमेशा ही हाथी रास्ते में इस इधर से उधर पार होता ही रहता है। तो हम लोग अभी द्वारसिनी में, द्वारसिनी का जंगल, ये रहा द्वारसिनी जंगल, दोनों साइड एकदम जंगल ही जंगल, घना जंगल है। और आगे द्वारसिनी मंदिर है, वो आगे देख रहे हैं ना बोर्ड, उसी के सामने द्वारसिनी, यहाँ पूजा होता है जून जुलाई में। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो ये रहा द्वारसिनी, द्वारसिनी मंदिर, हर साल यहाँ जून जुलाई में पूजा होता है, हर शनिवार या रविवार द्वारसिनी मंदिर। ये रहा पहान साहब, यहाँ पूजा होता है। द्वारसिनी मंदिर का ये दक्षिण दिशा में द्वारसिनी वो मंदिर के सामने, दोनों तरफ हमेशा यहाँ रोज का घना जंगल है। चलो आज आप लोगों का पूरा द्वारसिनी जंगल दिखाता है, एकदम देखते रहिए। करमाड़ी से कालीमाटी तक लगभग 4 किलोमीटर एकदम घना जंगल है, यहाँ एक भी कोई घर नहीं है और घना जंगल है। इसी जगह हाथी जंगल का इस पार से उस पार होता है, पूर्व पश्चिम। सामने एक तालाब है बड़ा, यहाँ हाथी पानी पीने के लिए आते हैं। वो ये रहा जंगल, दोनों तरफ घना जंगल, द्वारसिनी जंगल। आप लोग देखते रहे, पूरा जंगल दिखाएंगे, काली माटी तपोवन बस स्टैंड के सामने तक, लखनजरा तक। आगे देखते रहिए, बहुत ही खूबसूरत जंगल में बीच बीच में आप लोगों का बोर्ड दिखेगा, जो आप लोग अलर्ट करने के लिए, हाथी से अलर्ट करने के लिए। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये आगे बहुत ही यहाँ चोरी होता था इस रोड, घर से ये रोड बांधटी जाता है, बांधटी काली माटी बांधटी, रोड यहाँ से 4 किलोमीटर है। ये घना जंगल, द्वारसिनी सामने एक बड़ा सा तालाब भी है,
इधर ये द्वारशनी तालाब है, यहाँ हाथी अक्सर यहाँ नहाता है हाथी। और इधर देखिए घना जंगल दोनों तरफ द्वारशनी का, और ये बोर्ड भी लगाया हुआ है हाथी से। बीच बीच में बोर्ड दिखेगा जो आप लोगों का अलर्ट करने के लिए हाथी का बोर्ड। ये जंगल के अंदर 2 से 3 किलोमीटर चोरी भी होता है, चोरी छिनताई मोटरसाइकिल ले सकते हैं अलर्ट। यहाँ बहुत ही चोरी चमारी भी होता है, आजकल बहुत ही कम हुआ है चोरी चमारी, नहीं तो पहले बहुत ही ज़्यादा यहाँ चोरी होता था जंगल के अंदर। जंगल में बहुत ही खूबसूरत सुंदर एक फूल, वाचनी के अंदर एक नाले है, हम लोग इसे छोटा नदी कहते हैं लेकिन हिंदी में इसे नाले का नाला कहा जाता है। ये रहा जामुन का पेड़, आइया तो दोस्तों हम लोगों को दिखाया सारे द्वारशनी जंगल। द्वारशनी का लंबाई कम से कम 3 किलोमीटर होगा द्वारशनी जंगल, यहाँ से कालीमाटी सिर्फ 3 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर द्वारशनी जंगल है, पूरा एकदम जंगल ही जंगल है। यहाँ से कालीमाटी तपोवन से उधर परमाडी लगभग 4 किलोमीटर आपको एकदम खाली जगह मिलेगा, पूरा जंगल ही जंगल है।